हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज मैं मेरे दादाजी के जो छोटे भाई है उनके घर पे जा रहे हैं, तो थोड़ा गांव में आए हैं तो थोड़ा देसी लुक भी आप लोगों को गांव का दिखा देते हैं। तो अभी ये लोग काचरा जो हमारे खेत में लगता है उसको कट कर रहे हैं, और यहाँ पर साथ में ककड़ी भी कट की हुई है, और ये जो मेरी छोटी बहन है ये यहाँ पर लहसुन को छिल रही है। हाँ, अभी जला रहे हैं आग, क्योंकि आज जो भी काम होना पूरा देसी तरीके से होने वाला और देसी खाना हम लोग बनाने वाले हैं। निकाल रहा हूँ काचरे का बीज। हाँ, काचरा बीज निकाल रहा हूँ, अभी इसकी सफाई कर रहा हूँ। अच्छा, काचरे की सफाई हो रही है अभी। अभी ये गंवार की फली है, इसको ये पानी गर्म हो गया, इसमें डेगची में इसके अंदर डाल रहे हैं। मम्मी डालूंगी। नहीं बेटा, और क्या? नमक? हाँ, नमक। नमक बता दो। थोड़ा थोड़ा सा। अरे मैं अब पानी भी ऐड ना कीम। थोड़ा पानी डाल के पानी पाल दिए। पानी गीलो हो रहा है कि पत्थर तो दौड़ रहा है ना। ये देखो हमारी मिर्ची पीस के तैयार हो गई है, और ये देखो हमारी फली है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। बहुत ज्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, इस तरीके से ये एक बार टूट रही हो आराम से, तो ये बॉईल हो चुकी है। अभी इसको उतारेंगे हम संडासी से। ये है देसी तरीका, इसको देखो किसे लगाते हैं, इस पे इस तरीके से लगाएंगे और इसको आराम से ऐसे उतार लेंगे। छोटा क्या कर रही हूँ? तू एक पानी से माजन लगा रही है। अच्छा, रोटी अच्छी बनती है। अच्छा, रोटी चिपके को नहीं। वो काम तो जोर का देना। अरे आटे में आकुन से थोड़ा सा घी को आटे मिक्स करे ने। हाँ, रोटी फूल जावे। और इसमें पानी के अंदर इसमें नमक डाला हुआ है। डाल दो तभी। हाँ, लगा दे, लगा दे, लगा दे।
जो बाजरे का आटा है तो उसको भी एक साथ नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा करके ही लगाते हैं। ये देखो हमारी बाजरे की रोटी पतली पतली एकदम। ये देखिए इस तरीके से सेकते हैं, फिर चूल्हे के पास रख के इसको एक और बना लेंगे खा लेंगे। ठीक लगे बड़ी चूल्हे पर बनाई है, स्वाद आ देख सा खा ले। अब मिर्चा पतली करनी पड़ेगी। हां की ले अब मिर्चा थोड़ी पतली कर रहे होगे। हां ये मिर्चे इसे ले लिया, इसमें थोड़ा पानी डाल दो। ये थोड़ा पतला हो जाएगा। ये हो गया पतला। अभी उंगली से इसको, उंगली हो या चमची हो उसी में डालो। देसी तो उंगली होती है। हाँ देसी उंगली होती है, इसको मिला लो। अच्छा मिला के ये फली है। हाँ ये फली है, इसके अंदर डाल दो। लग गया, मिक्स हो गया। हाँ अभी इसको ऐसे मिला लो। ये मिला लिया। अभी इसके अंदर एक लकड़ी का कोयला, कोयला होता है, कोयला बोलते हैं उसको। हीरो, हीरो बोल दो, कोयला बोल दो, हिंदी में कोयला बोलते हैं, राजस्थानी में देसी हीरा बोल देते हैं। इसमें वो लकड़ी का डाल देना पड़ता है, नहीं खाने का तो उसका राख हो जाता है। हाँ अच्छा, कंडे वाला होता है ना, ये गोबर वाला इसे बटे बटे और दे दे तू। हम गाँव घेरा हो गया, खीरो दे बटो दे। ये हो गया मिक्स पूरा। अब इसके अंदर वो खीरा रखते हैं, खीरा रख दिया। अभी और इसी के अंदर वो घी डाल दो, गाय का हो भैंस का कुछ भी हो, देसी घी इसमें डाल दो। देसी घी इसका और सुकून होता है। अरे वाह, ये हो गया, इसको ढक दो, इसको ढक दो भैंस। इसका ये चुकनी लग गया अभी। हाँ, ये खाने में स्वादिष्ट हो जाएगा। अभी ये तरीका हो गया, अभी बनाएंगे का तरह की सब्जी उसको आप और खा। इसको चूल्हे पे छोड़ के इसमें थोड़ा पानी दे के और लहसुन लहसुन दे के पक के और तैयार हो जाएगा, एकदम बेस्ट। थोड़ा इसके अंदर चीनी भी पड़ता है, खटाई होता है ना, जैसे अपने करी का सब्जी बनता है वैसा स्वादिष्ट हो जाएगा। ये बाजरे की रोटी, काचरे को साग, काचरे साग बहुत, और गुआ की फड़ेंगी बुज्जी, बुज्जी स्वाद है जैसे आज तो खा की। एक काचरा इसके अंदर डाल दो। डाल दिया। इसको गैस पे इसलिए फ्राई किया है क्योंकि ये कढ़ाई है गैस की, ये चूल्हे की नहीं है, काली हो जाती है। काले की एक ये चूल्हे की जो है ये डेगची बनाई हुई है इनकी। चूल्हे का सामान अलग रहता है, गैस का अलग रहता है। पानी और डाल दो, पानी करो। थोड़ा सोच लेते, पक गए।
करके। और ये देखो हमारी सब्जी पक गई है अच्छे से। और ये देखिए हमारा आज देसी डिनर बनके तैयार हो गया है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो। ना सुनिए दादा जी, ये देखो बाजरे की रोटी और भुजी, वो दिखा रहे काचरे वाली सब्जी, सुस्वाद आ रहे पूरे, मस्त बनिया। आप भी ट्राई करना, वीडियो बनाऊ ग्वाल सिंह को मैं टोपी टापी ओढ़ के आ रही पूरी। ये एक को मास्क क्या हटा दियो कौन बेटा, इधर आओ काऊ पीटा कर देगी। चलो ए बा खासी पो दो खासी, अच्छा आगे छिंकी ला रहे हो बेचारी की जो खासी। क्या आ गई गोट, नहीं गोट का दूध नहीं आ रहा बेटा, इनके बच्चे खाए तो गोट के बच्चे हैं नहीं इसके, हैं नहीं इसके बच्चे। ये यहाँ पे गोबर के जो कंडे होते हैं वो बनाए हुए हैं, और हमारी देसी लैंग्वेज में इनको थेपड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे ये पानी की आप छोटी सी टंकी देख रहे होंगे, इसको ये नीचे से बहुत बड़ी है, बारिश का जो पानी आता है छत से उसको स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे आप ये मशीन देख रहे हैं, ये जो चारा लाते हैं खेत से, बाजरा लाते हैं या रिजका वगैरह जो भी लेकर आते हैं, उसको हाथ से काटने के लिए ये मशीन रखी हुई है यहाँ पे। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं झोपड़े बने हुए हैं, तो एक ये झोपड़ा है, इसके अंदर तो ये अपना जो चारा होता है गायों को भैंसों को डालने के लिए वो इसके अंदर रखा हुआ है। और एक ये झोपड़ा देख रहे हैं, इसमें आप वो अपनी गाय को बकरियों को इनको बारिश के मौसम में यहाँ पे बांधते हैं। तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा हमारे विलेज का एक छोटा सा टूर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।